नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ब्रेवर और ऑटो वायलट चैनल में। तो कुछ लोग ये वीडियो मेरी पहली बार देख रहे होंगे, बट जो मेरे साथ लोग जुड़े हैं शुरू से, उनको पता है कि मैं कहीं भी पार्शियलिटी नहीं करता, जो सच है उस चीज़ को बोल देता हूँ। तो जो रिसेंटली कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है वो फ्लाइंग बीस्ट के एक वीडियो पर चल रही है। मेन टॉपिक क्या था उस वीडियो में कि जो गौरव भाई हैं उनकी लड़की को जो नया डॉग लेके आए हैं उसने कान पे काट लिया था, तो वो उसके लिए इंजेक्शन लगवाने चले गए और वापस आके कहा कि आप इससे थोड़ा दूर रहिए, आज रस भरी से थोड़ा दूर रहिए। तो इसमें इतना लोगों ने नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं वीडियो पे और इतने बड़े ज्ञानी बन रहे हैं, अपना ज्ञान फैल रहे हैं उस वीडियो में, कि पता नहीं गौरव भाई ने क्या बोल दिया उस वीडियो में, उस डॉग पर कितने अत्याचार कर दिए हैं। समझाने लग गए उस वीडियो में कि आप इसे घुमाते नहीं हैं, इसको प्रॉपर डाइट नहीं देते हैं। तो उन सब के लिए मेरा एक ही जवाब है, आप अपने घर में अपने कुत्ते को संभालिए। जिसके घर में वो डॉग गया वो बहुत लकी है, और अगर उन्होंने अपने बच्चे को रेबीज इंजेक्शन लगवाया है तो इसमें कोई गलती नहीं करी है, आप चांस नहीं ले सकते। हाँ, आप बड़े हो, आप अपने घर में अपने ऊपर ट्राई कर सकते हैं। अगर फैक्ट यही आएगा, अगर आपके बच्चे को घर का कुत्ता भी काटेगा, अगर मेरे घर में भी खुदा ना खास्ता बच्चे को कहीं गलती से काट लेता है, तो उसका भी प्रॉपर वैक्सीनेशन होगा। ये ब्रो साइंस में मत जाइए कि कुछ नहीं होता और ये वो, और आप ही जिम्मेदार हैं इस चीज़ के लिए, बच्चा किसी और को दे दीजिए या संभालता नहीं है एक बच्चा। क्या कमेंट करते हो आप बॉस? एक वो फैमिली संभाल रही है, वो अपने व्यूज़ डालते हैं, रोज़ व्लॉग्स डालते हैं, तो इसलिए आप उनकी पर्सनल लाइफ पे कमेंट कर सकते हो। आप कितने परफेक्ट हो उनके अपनी लाइफ में बताइए मुझे। अगर वो डॉग काट रहा है, गलती से भी काट लिया है, तो वो रसबरी को भी उन्होंने समझाया कि आगे नहीं खेलना है, और आगे डॉग को भी कहना ही पड़ेगा। गलती हो जाती है, दोनों साइड से हो जाती है, बच्चे को समझाना है। बट आप टोटली उन पे फॉल करवा रहे हैं और उनको फॉल्स एलिगेशंस करवा रहे हैं, लगा रहे हैं उन पे गौरव भाई पे कि हाँ यार ये इन्हीं की गलती है, कुत्ते की गलती नहीं है, और बड़ा मासूम कुत्ता है। कुत्ते सारे मासूम होते हैं, लेकिन एक चीज़ का ये ध्यान रखें, अगर चलो गलती हो गई है तो आगे उसका वो ध्यान रख सकते हैं। कोई नहीं चाहता कि अगर डॉग लेके आ रहे हैं और वो उनके बच्चे को काटे, रीज़न क्या हो सकता है? खेलते खेलते लग जाती है, कई बार हम अपने डॉग्स का खेलते हैं तो गलती से लग जाती है, कोई इंटेंशन नहीं होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो लेके आया है या फ्लाइंग बीस्ट वाले लेके आए हैं डॉग को, तो उनकी गलतियाँ और वो ख्याल नहीं रखते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम तो अपने जो पर्सनल बेडरूम है उसमें भी अपने डॉग्स को नहीं लेके आते हैं, वो तो अपने साथ घुमाते हैं, लेके जाते हैं। तो फ्लैट में रखा हुआ है डॉग, और आई एम श्योर मैंने सारी वीडियोस नहीं देखी, बट वो डॉग्स को घुमाते भी होंगे बाहर, और टेक केयर करने के लिए उनके पास स्टाफ भी अवेलेबल है। तो किसी भी पॉइंट ऑफ पे आने पे, पॉइंट ऑफ व्यू पे आने पे, जैसे पहले आप सोचिए कि आप क्या कह रहे हैं, और नेगेटिव कमेंट करना बंद कीजिए, उनको ज्ञान देना बंद कीजिए। रेबीज वैक्सीनेशन लगवाया तो इसमें कोई बहुत बड़ी गलती नहीं कर दी है, किसी के भी काटेगा, घर का कुत्ता भी है, तो कोई बच्चे के केस में चांस नहीं लेता, लेना भी नहीं चाहिए। और लोग कह रहे हैं कि यार ये मैं तो अनसब्सक्राइब कर रहा हूँ और ये क्या कर रहा हूँ, उन्हें फ़र्क भी नहीं पड़ता, इतने बड़े आदमी हैं। इसके अलावा आपने एक दो चीज़ें और लिखी है कि ज्ञान पे लखे हैं, हिमालय नस्की ने भी ज्ञान पे लखा है उसमें, कि आपको किसने बता दिया है। सर, जिसके साथ बीतती है उसको पता चलता है कि क्या फैक्ट है, और वो बंदे अच्छे से पढ़े लिखे बंदे हैं दोनों, हस्बैंड वाइफ। और डॉग को अगर इन्होंने इतना कह दिया कि थोड़ा दूर रहिए और आगे से वो ध्यान रख रहे हैं इस चीज़ का, तो इसमें आप नेगेटिविटी ना फैलाइए, मेरा तो यही मानना है।